हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वैशालीज क्रोशे में। आज हम ये क्रोशिया का ब्यूटीफुल फ्लावर डिलाइट कैंडल होल्डर सीखने वाले हैं। बहुत सुंदर ऐसा पैटर्न है। यहाँ पे हमने इसे बीड लगाए हैं, इससे और भी ये बहुत सुंदर दिखता है। बहुत इजी पैटर्न है, आप भी इसे बना सकते हैं। बहुत सुंदर ऐसा कैंडल होल्डर ये मैंने एक्रेलिक थ्रेड्स में बनाए हैं। आप किसी भी थ्रेड का यूज़ करके इन्हें बना सकते हैं। आज हम कॉटन 3-ply थ्रेड में इसे बनाएंगे। एंकर कॉटन थ्रेड है ये 3-ply। ये बीड्स मोती हम यूज़ करेंगे। 1.25 mm का हुक यूज़ करेंगे हम और ये सीजर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह हमने मैजिक रिंग बना ली। अब इस पर हम चेन 3 करेंगे। वन टू थ्री चेन 3, हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे। आगे हम 17 डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल 18 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं। टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिफ्टीन सिक्सटीन 17, लास्ट वन 18। डबल क्रोशे हमने बना लिए। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। इस धागे को थोड़ा खींच लेंगे और इस धागे को बैक स्टिचेस में एक नॉट कर लेंगे। यहाँ पे एक नॉट करेंगे ताकि ये खुले नहीं। एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। इस तरह हमने ये 18 डबल क्रोशे फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड राउंड, नेक्स्ट राउंड के लिए हम चेन 3 करेंगे। वन टू थ्री, उसी सेम स्टिच में हम और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशे बनाएंगे। सेकेंड राउंड में हमें हर एक चेन पर टू डबल क्रोशे बनाने हैं। टोटल 36 डबल क्रोशे हम बनाएंगे इस राउंड में। हर चेन पर टू डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इस लास्ट चेन पर टू डबल क्रोशे बनाएंगे। 35 एंड लास्ट वन 36।
इस तरह हमने हर चेन पर 2 डबल क्रोशे बनाकर 36 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड राउंड, इस राउंड में हमें इस चेन के बैक लूप्स में वर्क करना है। ये फ्रंट लूप्स हैं और ये बैक लूप्स, हमें बैक लूप्स में ही वर्क करना है। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, चेन वन, बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। हर बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे का फर्स्ट राउंड बैक लूप से स्टार्ट करेंगे, सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह सिंगल क्रोशे का फर्स्ट राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टिच पर, नेक्स्ट बैक लूप पर सिंगल क्रोशे, लास्ट बैक लूप पर सिंगल क्रोशे। और जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उस पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये फ्रंट लूप्स हैं, इन्हें हम नीचे की तरफ रखेंगे और हर एक चेन पर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, चेन वन करेंगे और इन दोनों लूप के नीचे से हुक को पास करेंगे और सिंगल क्रोशे करते जाएंगे हर चेन पर। ये हमारा सिंगल क्रोशे का सेकंड राउंड हम बना लेंगे। फोर्थ राउंड बट सिंगल क्रोशे का ही सेकंड राउंड है, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, सेकंड राउंड सिंगल क्रोशे का। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे, और इस चेन पर सिंगल क्रोशे। अब जो हमने ये चेन बनाई थी फर्स्ट उस पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फोर्थ राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ राउंड, चेन टू करेंगे, वन टू, नेक्स्ट चेन पर हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन पर हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हर चेन पर हमें हाफ डबल क्रोशे करने हैं इस राउंड में। हर एक चेन पर हाफ डबल क्रोशे करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम फिफ्थ राउंड हाफ डबल क्रोशे का कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया फिफ्थ रो। इस लास्ट चेन पर भी हाफ डबल क्रोशे और जो हमने टू चेन बनाई थी उसके सेकंड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने ये बाउल का शेप बना लिया है, दिया। अब हम इसमें कैंडल रख के देखेंगे।
इस कैंडल के हिसाब से हमें और एक राउंड सिंगल क्रोशे का बढ़ाना है। सिंगल क्रोशे का एक राउंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने बैक लूप सिंगल क्रोशे का राउंड बनाया, फिर उस पर हमने सेकंड राउंड सिंगल क्रोशे का बनाया, उसके ऊपर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे का राउंड बनाया। अब हम एक सिंगल क्रोशे का राउंड बनाने जा रहे हैं, राउंड 6। चेन 1 से स्टार्ट करेंगे, चेन 1, नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे। हर चेन पर हमें सिंगल क्रोशे करना है और 6 राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, 6 राउंड, लास्ट चेन में सिंगल क्रोशे और इस फर्स्ट चेन पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन करेंगे, एक चेन कर लेंगे और धागा कट कर लेंगे। बचे हुए धागे को बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। इस तरह हमने ये दिया बना लिया है, इस पर ये कैंडल अच्छे से बैठ रही है। अभी इसके नाप से हमने इसे बना लिया है, इस तरह ये फ्रंट लूप से इसमें हम वर्क करेंगे। अभी इसे ऐसे पकड़ना है, इन फ्रंट लूप्स में, किसी भी फ्रंट लूप में हमें हुक को इंसर्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसी भी फ्रंट लूप में से हुक को पास करेंगे इस तरह, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धागे का लूप पुल कर लेंगे, यहाँ से चेन 4 करेंगे, टू लूप्स को, टू लूप्स को स्किप करेंगे, नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह। अगेन चेन 4, नेक्स्ट टू लूप्स को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे, चेन 4 करते जाएंगे, टू लूप्स को स्किप करेंगे और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ऐसे हम चेन 4 स्पेसेस बना लेंगे। इस तरह चेन 4 स्पेसेस बना लेंगे हम। इस तरह हम 12 चेन 4 स्पेसेस बना लेंगे। इस तरह हमने सारी चेन 4 स्पेसेस बना लिए हैं। चेन 4 करेंगे, 2 लूप्स को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे, ये लास्ट चेन 4 स्पेस, चेन 4, टू लूप्स को स्किप करेंगे,
और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी उसी चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने 12 चेन 4 स्पेसेस बना ली हैं। इस चेन 4 स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ये पेटल्स बनाएंगे हम इस तरह। चेन 3 करेंगे, यहाँ पे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे और आगे 3 डबल क्रोशे करने हैं, टोटल 4 डबल क्रोशे। हर चेन 4 स्पेस में हमें 4 डबल क्रोशे करने हैं। 2, 3, 4 अगेन नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में 4 डबल क्रोशे। ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन 4 स्पेस में हमें 4 डबल क्रोशे करने हैं। इस तरह सारे चेन 4 स्पेसेस में हम 4 डबल क्रोशे करते जाएंगे हर एक चेन 4 स्पेस में और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने सारे चेन 4 स्पेसेस में 4 डबल क्रोशे बना लिए। अब ये लास्ट चेन 4 स्पेस है, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह थर्ड चेन में स्लिप स्टिच और ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में हम चेन 3 करेंगे और इस 4 डबल क्रोशे के ऊपर हम क्लस्टर स्टिच करेंगे। 4 डबल क्रोशे की 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह 2, 3 और ये 4। इस तरह हमने 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लिए। इस लूप को सारे लूप में से पास करेंगे। इस तरह हमने ये रेंगुलर पंखुड़ी बना ली है पेटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चेन करेंगे। यहाँ पे इसे फिंगर को यहाँ से दबाएंगे और यहाँ पे 4 डबल क्रोशे के ऊपर अगेन क्लस्टर स्टिच करेंगे। 4 डबल क्रोशे की क्लस्टर स्टिच, इसके लिए हमें हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है और फिर चारों डबल क्रोशे की क्लस्टर स्टिच बनाएंगे और ये फ्लावर का एक पेटल बना लेंगे क्लस्टर स्टिच। एक चेन करेंगे। इस तरह हमने चेन 9 स्पेस बना लिया है। ऐसे ये पेटल 2 पेटल्स हमने बना लिए हैं। इस तरह एक एक पेटल्स बनाते जाएंगे, चेन 9 बनाएंगे और ऐसे पेटल्स बनाते जाएंगे। नाइन चेन करेंगे, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9। अगेन हम 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे की क्लस्टर स्टिच बना लेंगे और एक एक पंखुड़ी या पेटल बनाते जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इस तरह हम 9 चेन बनाते जाएंगे और एक एक पेटल्स बनाते जाएंगे क्लस्टर स्टिच का। इस तरह हमने ये सारे पेटल्स बना लिए हैं, 11 पेटल्स हमने बना लिए, 9 चेन हमने बना ली हैं। आगे हम क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे की क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 4 डबल क्रोशे की क्लस्टर स्टिच बना लेंगे। इस तरह अब इसकी क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, 9 चेन करेंगे। और यहाँ पे क्लस्टर स्टिच के ऊपर एक स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लास्ट राउंड बनाएंगे हम। इस राउंड में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और बीड्स को अटैच करेंगे यहाँ पे। ये हमारा लास्ट राउंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 9 स्पेस में 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। 2, 3, 4 and 5। अब 5th सिंगल क्रोशे के ऊपर एक चेन बनाएंगे, लूप को खींच लेंगे, बीड को इंसर्ट करेंगे लूप में, अगेन एक चेन बनाएंगे, यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे और लूप को पुल कर लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। जैसे हम पिकॉट को करते हैं वैसे ही बनाना है यहाँ पे। नेक्स्ट 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे इस क्लस्टर स्टिच के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने ये लास्ट राउंड का ये पेटल बना लिया और बीड को लगा दिया। अगेन सिंगल क्रोशे करेंगे, 5 सिंगल क्रोशे, फिफ्थ सिंगल क्रोशे के ऊपर बीड को लगाएंगे, एक चेन करेंगे, लूप को खींच लेंगे, बीड को इंसर्ट करेंगे, अगेन चेन 1, यहाँ से हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे,
अगेन आगे 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे। क्लस्टर स्टिच के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। सेकेंड पेटल हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया का। इस तरह हम एक एक पेटल्स बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया से और मोती को ऐड करेंगे। और ये लास्ट राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। सारे पेटल्स को हमने ये बीड्स लगा दिए हैं। अब ये लास्ट वाला पेटल बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, 5 सिंगल क्रोशिया चेन 9 स्पेस में, 2, 3, 4, 5 एक चैन करेंगे, लूप को पुल करेंगे, बीड को ऐड करेंगे, अगेन चेन 1, यहाँ पे स्लिप स्टिच, अगेन 4 सिंगल क्रोशिया, अभी क्लस्टर स्टिच के ऊपर एक स्लिप स्टिच करेंगे, चेन करेंगे, एक चेन करेंगे, धागा खींच लेंगे, कट कर लेंगे। इस धागे को बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। कट कर लेंगे। अब इसमें कैंडल लगाएंगे। इस तरह हमारा क्रोशिया का सुंदर सा फ्लावर टीलाइट कैंडल होल्डर तैयार है। आप त्योहारों में इनसे आपके घर को सजा सकते हैं। इस तरह ब्यूटीफुल कैंडल होल्डर आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी पैटर्न है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। मनचाहे कलर्स में आप इसे बना सकते हैं और आपकी घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।